सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हम जाएंगे बरसाना श्री लाडली जी का मंदिर, और फिर उसके बाद कीर्ति मंदिर। बने रहिए, चलते हैं। सो गाइज, हम यहाँ से बस पकड़ेंगे और बैठते हैं बस की ओर। तो आप लोग देखिए, हम पीछे की ओर चलते हैं क्योंकि पीछे ही हम लोग को बहुत मज़ा आता है। और मैं तो फाइनली पीछे वाली सीट पे ही बैठूंगा क्योंकि मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ। सो गाइज, हम लोग बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं और ई रिक्शे पे बैठ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ की मार्केट कितनी अच्छी है और यहाँ सामान भी काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। भाई, हम लोग आ चुके हैं श्री लाडली जी का मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अब हम चलते हैं ऊपर की ओर क्योंकि 250 सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी है। तो आप लोग बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो गाइज, हम लोग थकने वाले हैं, थक भी चुके हैं, बहुत ही लंबी चढ़ाई है और यहाँ बीच में पानी भी नहीं मिल रहा, पीने को गला भी सूख रहा है, गर्मी भी ऊपर से बहुत है। तो अब हम लोग को ऊपर पहुँच कर ही शायद पानी मिलेगा। तो पहले हम राधा रानी जी की दर्शन करेंगे, फिर पानी वगैरह पियेंगे। तो बने रहिए आप, चलते हैं और ऊपर। मेरे फ्रेंड्स लोग तो बहुत ही थक चुके हैं और मैं भी थक चुका हूँ। सो अब हम लोग को क्या करें, चढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर के पास, बहुत ही नज़दीक। तो यहाँ पर हम लोग को ये भैया प्रसाद दे रहे हैं कि यहाँ पास से ले लो। तो हम लोग ने ले लिया और ये प्रसाद 20-20 रुपये का है, आप भी लेना। सो गाइस, फाइनली हम लोग श्री लाडली जी महाराज जी का मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि राधा रानी जी का जन्म यहीं हुआ था। और राधा रानी का जन्म राधा अष्टमी को हुआ था। सो यहां पास का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपको अभी ऊपर चल के दिखाऊंगा। सो पहले आपको यहां नीचे का दिखा दूँ, आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए। सो गाइज, हम लोग ऊपर की ओर पहुंच गए, आप लोग को राधा रानी जी की दर्शन कराते हैं। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय, कमेंट पे लिखिए प्लीज़। सो सॉरी गाइज, मैं यहाँ पर कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है, बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सॉरी। मैं अभी बाहर पहुंच के आप लोग को दिखाता हूँ, तो बने रहिए। तो हम गाइज, हम लोग बाहर की ओर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहाँ का भी नज़ारा आप लोग को दिखा सकता हूँ, यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह वीडियो वगैरह सब बनाते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। अंदर की ओर का आप सजावट भी बहुत देख सकते हैं। ये है पूरा मंदिर ऊपर का लुक। भाई, मैंने आपको राधा जी का दर्शन करा दिया है, श्री लाडली जी महाराज जी का मंदिर का ये, और दर्शन करा दिया है आप लोग को। अब चलते हैं कीर्ति मंदिर, कीर्ति मंदिर के दर्शन कराते हैं, चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। तो भाई, हम लोग आ चुके हैं कीर्ति मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग, अभी अंदर चल के सब दिखाते हैं। सो
सो गाइस ये रहा कीर्ति मंदिर का एंट्री गेट। तो हम लोग इधर से बंद है तो हम लोग को उधर से जाना पड़ेगा, एक और एंट्री गेट है तो हम लोग उधर से चलते हैं, तो बने रहिए। और ये मेरा दोस्त जा रहा है आगे। सो गाइस जो है हम लोग को बैग वगैरह कुछ भी पर्स वगैरह सब हम लोग को बाहर ही जमा करने पड़ेगा, क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देते हैं। और कैमरा भी एक भी अलाउ नहीं है, तो ओनली सिर्फ फ़ोन अलाउ है, तो आप लोग देख सकते हैं, बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि कीर्ति मंदिर कैसा है। ये मंदिर एकदम प्रेम मंदिर के जैसा है ना। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अभी अंदर वाला गेट बंद है, मंदिर के अंदर वाला गेट बंद है, चल के देखते हैं बंद है या खुला है, बने रहिए। चलते हैं पहले दर्शन करने। इधर से बंद था पर ये मेन गेट नहीं था, मेन गेट आगे है इधर से। अब हम लोग चलते हैं अंदर की ओर, तो करते हैं हम लोग दर्शन, क्योंकि यहाँ का पट बंद होने वाला है, 11 बजे बंद हो जाता है, हम लोग का टाइम भी हो चुका है। ये कीर्ति मंदिर, चलते हैं अंदर की ओर, सो बने रहिए। सो सॉरी गाइस, मोबाइल मुझे बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर डांट पड़ रही है, तो मैं बाहर आपको मिलता हूँ, सॉरी। तो गाइस कीर्ति मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, सॉरी दर्शन नहीं करा पाया, मैंने बस दर्शन किया। और मैं बाहर भी सब कुछ आपको दिखा सकता हूँ, अभी बाहर भी काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ हैं, देखते हैं। सो गाइस और बाकी मैं आपको बाहर का सीन पूरा दिखा सकता हूँ, बाहर भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, सब लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरे ब्लॉग पे बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए प्लीज़, और जो भी चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो बने रहिए। सो गाइस फाइनली मेरा ये ब्लॉग कंप्लीट हुआ, और प्लीज़ कमेंट में बताइए ये ब्लॉग कैसा रहा, जहाँ पर भी अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, बने रहिए ब्लॉग पे, और जो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार, बहुत ही मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग पे, थैंक यू।